आपके पास कोई साधन नहीं है, बैरिक में रहो, झोपड़े में रहो, कहां रहो, वो ये थोड़ी देखता है। अरे बड़े बड़े सेठ पड़े, मेरा तो, मैं तो नौकरी वाला हूं, और नौकरी भी 5-6 हजार की, वहां तो बड़े बड़े सेठ लुटा रहे हैं धन, मेरा कहां नंबर लगेगा। वो साधन नहीं देखता है, धन नहीं देखता, साधन नहीं देखता, साधना देखता है। हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। आप किस जाति के हो और कौन सा आपका वर्ण है, वो कृष्ण नहीं देखता है। आपका क्या बिजनेस है और क्या धंधा है, वो कृष्ण नहीं देखता है। कृष्ण तो अपने प्यारों को देखता है, बस सुलभ है कृष्ण। महाभारत में मुझे कथा स्मरण हो रही है कि पितामह भीष्म ने जब ये प्रतिज्ञा ली, श्री राधे, कितने कृष्ण खुश हो गए होंगे इस समय। वृंदावन चंद्र सुन रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। श्री राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे, कितने खुश हो रहे होंगे इस समय। देखो हमारे दुख तो चलते रहेंगे, क्योंकि हम जहां हैं वो दुखों का घर है, फिर ऊपर से मन कभी उदास, कभी परेशान, कभी टेंशन में, क्योंकि मन इमोशनली है, भावनात्मक हम जुड़े हैं लोगों से, इसलिए उनके दुख भी अपने लगने लगते हैं। तो यूं दुख सुख की पटरियां पे हमारी गाड़ी चल रही है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई टेंशन, कभी कोई ये, कभी कोई ये, कभी कोई, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, श्लोक ये है, मैं अपने भक्तों के लिए क्या हूं, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं। मैं देखता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, ये माताएं बहनें निस्वार्थ भाव से आप आते हो, यहाँ कोई धागा रखड़ी है नहीं, पानी पड़ के दिया नहीं जाता है, कोई मन्नत बांस बांधी नहीं जाती है, यहाँ तो भोले भाले भाव से बस भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमारे और उसके बीच में कोई व्यक्ति है ही नहीं, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा, तुम्हें उनसे क्या लेना, ये मेरा और उसका रिश्ता है, यहां कोई बीच में है ही नहीं, यहां तो सिर्फ भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम पितामह भीष्म को दुर्योधन ताने देने लगा कि पितामह आप रहते हो हमारी तरफ, हो खाते हमारी तरफ हो, लेकिन आपकी निष्ठा पांडवों की तरफ हो, आप ठीक तरह से लड़ क्यों नहीं रहे हो। पितामह को अपनी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह हुआ जब, तब पितामह भीष्म ने कहा, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल का सूर्य अस्त होते पांडव नहीं देख पाएंगे, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का जो सूरज है वो पांडव नहीं देख पाएंगे। ये प्रतिज्ञा ले ली और ये बात दोनों सेनाओं में फैल गई कि कल अब पांडवों का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, और अकेले पितामह ही पांडवों के लिए काफी थे, वो तो उनकी गोद में खेल के बड़े हुए थे, गोद में खेल के बड़े हुए थे, उनको तो हाथ
था, बच्चे थे उनके सामने। तो जब युद्ध पूरा हुआ, विराम हुआ, शाम हो गई, तब पांचों पांडवों के मुंह छोटे थे। देखिए, आप खड़े कृष्ण के लिए सोचा करो, कृष्ण आपके, कृष्ण के लिए सोचो, कृष्ण के लिए सोचो, कृष्ण के लिए बातें करो। सच्ची में कृष्ण चमत्कार कर देते। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आश्रम कृष्ण का चमत्कार है, क्योंकि मुझसे जो भी मिलता है ना, मैं एक ही करता, मुझे यहाँ एक आश्रम बनाना है। जो भी मिलता है, मुझे एक आश्रम बनाना है, मुझे एक मंदिर बनाना है, मुझे एक आश्रम बनाना है, मुझे एक मंदिर बनाना है, आश्रम। ये बातें करते करते सच हो गया। बातें करने में कुछ नहीं जाता है, कृष्ण के लिए बातें करो कुछ नहीं जाता, आता बहुत कुछ है। आते 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 कृष्ण खुद आ जाता है। बहुत कुछ है, जाता कुछ नहीं है, आता बहुत कुछ। आप कृष्ण के लिए बोला करो, कृष्ण के लिए सोचा करो। भले आपके पास साधन ना हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है। सोचो, जन्माष्टमी के लिए हम ड्रेस बनवा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार बनवा रहे हैं, मेरे आपके पास रुपया एक नहीं है, सोचने में क्या है। सोचिए आप कृष्ण के लिए। वो सोचना अनन्य भाव से भक्ति है। सोच लो, हम ठाकुर जी के लिए बंसी बनवा रहे, ठाकुर जी धारण करेंगे जन्माष्टमी को, सोचने में क्या गए। मैं कभी कभी सोचता हूं, इंसान कैसा मूर्ख है कि समझ नहीं आता है। सोचिएगा जरा, जो मैं बताना और बोलना और समझाना चाहता हूं। जब हमारी बेटी की कहीं सगाई होती है, तो सगाई में ही हम अपने जमाई को बहुत कुछ देते हैं। खाली सगाई हुई है तो ही बहुत कुछ गिफ्ट देते हैं, अपनी शक्ति से भी ज्यादा देते हैं, और शादी में उससे भी ज्यादा कार देते हैं, पैसे देते हैं, अपनी जो शक्ति होती उससे। क्यों भाई, जमाई रातों रात ऐसे क्यों हो गया, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि हम सब कुछ उसको देने लगे। घर आता है तो 10 प्लेटें बना लेते, ड्राई फ्रूट, ये वो क्यों बोला जमाया है। शादी में इतना कुछ देते हैं, जमाई को तो देते, जमाई की माँ को भी देते, जमाई की पिता को देते, जमाई की बहन को देते, जमाई के जीजा को देते, सबको अपनी अपनी शक्ति। नहीं होती तो उधार लेके देते, कर्जा लेके देते, कुछ सामान बेच के देते, लोन उठा के देते। समझिएगा, सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो हमारी बेटी को क्या करेगा, संभालेगा। समझिएगा, वो हमारी बेटी को, अरे जो एक बेटी को संभाले वो भी उम्मीद करते हैं, गारंटी नहीं है, उम्मीद करते हैं, गारंटी नहीं है। बेटी को संभालेगा तो हम उसको सब कुछ नौछावर कर देते और उतनी इज्जत देते उसको। कभी कभी जमाई इतना चंडरा होता, हम नॉनवेज नहीं खाते, उसको खिलाना पड़ता, क्या करें, उसको दारू पिलाना पड़ता, क्या करें, जमाई आया है, इज्जत। क्यों, लड़की को संभालेगा ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। जो हमारी सिर्फ एक लड़की को संभाले उसके लिए हम इतना कुछ कर देते हैं, लेकिन कृष्ण तो हमारे पूरे परिवार को संभाल रहा है और संभालेगा भी, उसके लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं है। जी पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़, हाँ क्या बोला फिर, रस अनुभव गाणी सो प्रभु चितना आवे। अरे तुम फिर जानवर हो, इतना कुछ तुम्हारा प्रभु तुम्हारे लिए कर रहा है। एक जमाई खाली लड़की को संभाले
ये उम्मीद करते हैं, गारंटी फिर भी नहीं है, कभी निकाल दे, कभी दुख दे, कभी कष्ट दे, जा तेरी मम्मी के घर से और लेकर आ, इसकी गारंटी नहीं है कि एक उम्मीद करते हैं कि ये संभालेगा बेटी को, तो हम इतना कुछ दे देते हैं। लेकिन राधा वृंदावन चंद्र तो हमारी बेटी को तो क्या, हम सबों को संभाल रहा है, संभाल रहा है और संभालेगा भी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। इसीलिए भक्तों को कृष्ण प्यार करते, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं। इंसान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है पता है? अगर आप किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं तो वो आपका अपना समय है। समय सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर कोई आपको आपका समय देता है अपना, क्यों कि दूसरे गिफ्ट सारे वापस ले सकते हैं, लेकिन एक बार समय चला गया फिर नहीं आता। आपको कीमती वस्तु कोई दे रहा है अगर आपको समय दे रहा है तो, लेकिन वो समय का सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग वाला समय। जैसे हरि कथा और कीर्तन, ये सदुपयोग वाला समय है, ये टाइम पास वाला समय नहीं है, ये सदुपयोग वाला समय है जो कृष्ण के लिए है। ये समय आपका जीवन का सार्थक समय, जिसमें आप मिलके भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये सदुपयोग वाला समय है जो कृष्ण के लिए है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो मात्र बेटी को संभालने की उम्मीद हो कि ये बच्ची को हमारी संभालेगा, हम उसको इतनी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, पैसा देते हैं, अपनी शक्ति से ज़्यादा भी देते हैं, अरे वृंदावन चंद्र तो आप सबों को संभाल रहा है, और उसके बदले मांग क्या रहा है? पत्ता फल फूल पानी लो, जमाई को पानी पिला के भेजो, दूसरे दिन बेटी को किक मारेगा, तेरी मां के घर गए कोई इज्जत भी नहीं मिली। जिनकी बेटियां शादी वाली हैं उनको अनुभव होगा कितने नखरे करने पड़ते जमाई के। पानी खाली पानी पिलाओ, बोले तेरी मम्मी के घर गए बस पानी भी टरका दिया, लेकिन वृंदावन चंद्र क्या मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं, लो। अच्छा कौन सा पानी? आपके अपने, हमारे पिता का पानी, अरे बनाया उसी ने, उसी का पानी वही मांग रहा है, पैदा भी पानी उसी ने किया, क्या मांग रहा? फल मांग रहा है। जो सगाई में टोकरे के टोकरे फ्रूट के देते हैं, टोकरे के टोकरे दे देते हैं सैनों को, लेकिन वृंदावन चंद्र क्या करे? एक फल पत्रम पुष्पम पत्ता लो, एक तुलसी दल, ए श्याम सुंदर प्यारे ये आपके चरणों में गोविंद, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, कृष्ण कभी ना भूलूं, क्योंकि मैं आपको याद करने के लिए मां के गर्भ से आया हूं। मेरी मां ने जन्म इसलिए दिया है कि मैं आपका स्मरण करूं, हमेशा आपको याद करूं, हमेशा आपका धन्यवाद करूं। हे मेरे नाथ आपकी बड़ी मेहरबानी गोविंद। अब पांडवों का सबों का मुंह जो है बिल्कुल छोटा हो गया है, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा में सारे लोग हाहाकार हो गए हैं दोनों सेनाओं के बीच। याद रखिए आपका जो समय जो पल बीते साथ तुम्हारे, वो पल ही जीवन है। आपके असली पल, आपके जीवन का धरोहर वो है जो हरि कथा और कीर्तन में आपका समय जा रहा है, बड़ा अनमोल समय। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी, जय जय श्री राम। ओम।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ता कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अनन्य चेता सततम् यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम् सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तस्य सुलभ पार्थ, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जरा सोचिए, जिसको श्री कृष्ण मिल जाए क्या बात है फिर उसके, यानी कौन स्वयं साक्षात भगवान। साक्षात भगवान, साक्षात श्री हरि, सर्व अवतारों का स्रोत, सर्व अवतारों का स्वयं अवतारी श्री कृष्ण। कृष्ण मिलना चाहता है आपसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अचानक आपको कोई फोन आ जाए कि फलाना फलाना बड़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है, आप तो खुशी से उछल जाओगे। आपको कोई व्यक्ति आकर निमंत्रण दे कि फलानी फलानी महान व्यक्ति आपसे मिलना चाहती है, तो आप उछल जाओगे खुशी से। ऐसे कृष्ण मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? आपसे। कैसे मिलना चाहते हैं? रास्ता भी बता दिया। संसार क्या है? संसार बिछड़ने के लिए, संसार बिछड़ने के लिए। वो आपने गाना सुना होगा, खिलते हैं गुलियां खिलके जी, बिखरने के लिए, और मिलते हैं दिलियां मिलके बिछड़ने के लिए। यहां सब मिलके बिछड़ते हैं, पहले तो मिलते हैं, मिलते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं, और फिर जब बिछड़ गए तो बिछड़ने के लिए किसी कवि ने कहा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े।